बच्चों कैसे हैं सब? एवरीवन आर फाइन, गुड। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पीडीएफ भेजा था, राइट बच्चों? सबने लिखा है, गुड। तो हमने र का प्रयोग सीखा था, ओके। र का प्रयोग कैसे करते हैं उसके प्रकार हमने देखे थे, उसी के बारे में मैंने पीडीएफ करके आपको भेजा था और उसका एक्सरसाइज भी उसके साथ भेजा था, ओके। तो सबने लिखा है ना, गुड। नेक्स्ट लेसन नंबर 4, एक अनेक। एक मीन्स व्हाट बच्चों? एक का मतलब क्या है? लेसन नंबर 4, एक अनेक, ओके। तो इसका मतलब क्या है बताओ बच्चों? एक मीन्स व्हाट? वन, ओके। एक मीन्स व्हाट? वन। अनेक मीन्स मोर देन टू, ओके। अनेक मीन्स व्हाट? मोर देन टू, मेनी, ओके। एक मीन्स वन, अनेक मीन्स मेनी, ओके। अंडरस्टूड? तो समझ आया ना सबको? एक यानी कि सिंगल, अनेक यानी कि मोर देन टू, मेनी, ओके। गुड। तो देखिए बच्चों, मैं पहले क्या करती हूँ, आपको यह कविता पढ़कर बताती हूँ और उसमें एक वचन और अनेक वचन में का डिफरेंस बताती हूँ, ओके। इस पार्ट में क्या दिया गया है देखो बच्चों, इस कविता में एक वचन और अनेक यानी कि बहुवचनों के बारे में बताया गया है, ओके। इस कविता में क्या बताया है बच्चों? एक वचन और अनेक वचन, यानी कि अनेक वचन मीन्स फॉर प्लूरल, ओके, सिंगुलर एंड प्लूरल। सबको पता है ना, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मींस एक वचन, प्लूरल मींस अनेक। अनेक वचन यानी कि क्या है? बहुवचन, ओके। तो सी कविता का, इस कविता में एक वचन और अनेक वचनों के बारे में दिया गया है, ओके। कविता का हाव भाव से वाचन करवाना तथा एकता का महत्व बताया, ओके। तो सी, मैं एक कविता को पढ़ती हूँ, आप उसे आपके टेक्स्ट बुक में ओपन दी पेज नंबर 20 ओपन कीजिए बच्चों। मैं पढ़ती हूँ, उस कविता को ध्यान से सुनिए और मैं जो भी पढ़ रही हूँ उसके ऊपर फिंगर रख कर देखते जाइए, ओके। तो सी, चूहा एक कुदरत आया, ओके। चूहा क्या आया बच्चों? चूहा एक कूद कर आया, हर चूहे को यह बतलाया, यह चिड़िया बोली नादान, ये चिड़िया चंचल शैतान, ओके। ये चिड़िया चंचल शैतान, बिल्ली ने सुनकर यह बता, बिल्ली ने सुनकर यह बात किया इशारा, बिल्लियां आई, ओके। घात लगाने की चूहों पर चुपके से तरकीब बताई, ओके। छत्ते में बैठी मधुमक्खी बोली, सुन ले सब मधुमक्खियाँ, ओके। हम बचना सात चूहों को, हमें बचाना सात चूहों को, खा ना पाए इन्हें बिल्लियाँ, ओके। छत्ता छोड़कर सब जा पहुँची, छत्ते से बिल्लियों के पास, ओके। व्याकुल बिल्लियां भाग गई सब, देख मक्खियां इतनी पास, ओके। सी, और एक बार पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। एक वचन कहाँ पर है? अनेक वचन। उन्होंने हमें बिल्ली मीन्स व्हाट? कैट। चूहा यानी कि माउस, और छत्ता, ओके। छत्ता यानी कि क्या है? छत्ता यानी कि went to cats, okay? तो बच्चों, हमें इस पार्ट में एक वचन और अनेक वचन के बारे में बताया है, ओके। तो सी, और एक बार पढ़ती हूँ, ध्यान से देखिए, उसके बाद में यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। चूहा एक कूद कर आया, हर चूहे को यह बतलाया, यह चिड़िया बोली नादाना, ये चिड़िया चंचल शैताना, ओके। बिल्ली ने सुनकर यह बात किया इशारा, बिल्लियां,
आई। ओके, घात लगाने की चूहों पर चुपके से तरकीब बताई। ओके, छत्ते में बैठी मधुमक्खी बोली सुन ले सब मधुमक्खियाँ, हमें बचाना छत चूहों को खाना पाए इन्हें बिल्लियाँ। छत्ता छोड़कर सब जा पहुँची छत्ते से बिल्लियों के पास, व्याकुल बिल्लियाँ भाग गई सब देख मक्खियाँ इतनी पास। तो देखिए बच्चों, मैं ये कविता आपको दो बार पढ़कर दिखा चुकी हूँ। ओके, तो सी यहाँ इसमें क्या क्या बताया है मैं आप दिखाती हूँ, पर लिखकर बताती हूँ। ओके, एक बच्चा, एक यानी कि सिंगुलर। ओके, एक बच्चा यानी कि सिंगुलर। ओके, अनेक वचन यानी कि बहुवचन। बहुवचन प्लूरल। ओके, सी तो हम अब इस कविता में क्या बताया गया है वह एक्सप्लेन करके, इसमें कौन से एकवचन वाले शब्द हैं और कौन से बहुवचन वाले शब्द हैं यह भी आपको बताती हूँ। ओके, चूहा एक कुदरत कूद कर आया। ओके, चूहा एक कूद कर आया हर चूहे को यह बतलाया। ओके, चूहा एक कूद कर आया हर चूहे को यह बतलाया। चूहा और चूहे देखो बच्चों, चूहा क्या है, चूहा एक वचन है और चूहे ये क्या है अनेक वचन है। ओके बच्चों, चूहा और चूहे, एक चूहा कूद कर आया हर चूहे को यह बतलाया। एक चूहा कूद कर आ गया और अनेक चूहों को मतलब बाकी के चूहों को बताया कि क्या बताया, देखो यह चिड़िया बोली नादान, ये चिड़िया चंचल शैतान। यह चिड़िया बोली नादान, कौन नादान है देखो, चिड़िया। चिड़िया एक थी, स्पैरो, चिड़िया स्पैरो, चिड़िया यह बर्ड्स। ओके, चिड़िया क्या है, बर्ड्स, कौन से भी बर्ड्स हो सकते हैं। ओके, चिड़िया बोली नादा और यह क्या है, चिड़िया, यह क्या है अनेक वचन है। ओके बच्चों, सी चिड़िया चंचल शैतान, ये चिड़िया कैसी है, बोली नादा है, ये चिड़िया सभी चिड़िया, ये चिड़िया सिंगुलर जो है वो बहुत बोली और नादान है, बहुत शांत है, तो ये सभी चिड़िया कैसी है, चंचल और शैतान है। ओके बच्चों, तो किया इशारा बिल्लियाँ आई, बिल्ली ने सुनकर यह बताया। देखो बिल्ली एक थी, एक कौन थी, बिल्ली एक थी, कैट थी। ओके, सी ए टी कैट, कैट सिंगुलर वर्ड। बिल्ली, बिल्ली ने सुनकर यह बात किया इशारा बिल्लियाँ आई, बिल्ली ने यह बात किसने सुनी, चिड़ियों की बिल्ली ने सुनी, और बिल्ली ने यह बात सुनकर बिल्लियों को बताई। बिल्लियाँ सिंगुलर प्लूरल वर्ड। ओके, बिल्लियाँ किसे बताया, बिल्लियाँ ने बिल्लियाँ बिल्लियाँ। ओके, घात लगाने की चूहों पर छुपके से तरकीब बताई। ओके, किस पर घात लगाने की तरकीब बताई, घात लगाने की चूहों पर छुपके से तरकीब बताई। ओके, छत्ते में बैठी मधुमक्खी, छत्ते में कौन बैठी थी बच्चों, मधुमक्खी बैठी थी, राइट, छत्ते में कौन बैठी थी, मधुमक्खी, छत्ते में बैठी मधुमक्खी
तेरे बैठी मधुमक्खी बोली, सुन ले सभी मधुमक्खियाँ। एक मधुमक्खी छत्ते पे बैठी थी, उसने देखा, क्या बोला मधुमक्खियों को, मतलब अरे हनी मीन्स को क्या बोला, सुन ले सब मधुमक्खियाँ, सभी मधुमक्खियों को सुनने को बोला। हमें बचाना सात चूहों को, हमें बचाना सात चूहों को, खा ना पाए इन्हें बिल्लियां। हमें किसे बचाना है बोला, मधुमक्खियां। मधुमक्खी ने मधुमक्खियों से कहा, ओके। एक मधुमक्खी थी, वो सभी साथी को मतलब अनेक मधुमक्खियों से क्या कहा उसने, हमें बचाना सात चूहों को, ओके। खाना पाए इन्हें बिल्लियां, खाना पाए इन्हें बिल्लियां, मतलब वो मधुमक्खियों को क्या बता रही है कि हमें बिल्लों को बचाना चाहिए, चूहों को, सॉरी, हमें किसको बचाना चाहिए, चूहों को बचाना चाहिए। किस लिए बच्चों? तो बिल्लियां चूहों को ना खाए, ओके। तो हमें किसको, चूहों ने चूहों को बिल्लियां खा ना सके, इसलिए मधुमक्खियां आपस में बात कर रही है, ओके। यहाँ एक मधुमक्खी बाकी के मधुमक्खियों से कह रही है, उनको बता रही है, राइट। हमें बचाना सात चूहों को, खाना पाए इन्हें बिल्लियां। छत्ता छोड़कर सब जा पहुंची छत्ते से बिल्लियों के पास। देखो छत्ता में बोल बच्चों, छत्ते पर ऊपर, ओके, वहां पर बैठी थी, कौन बैठी थी, मधुमक्खियां। तो उन्होंने छत्ते से बिल्लियों के पास, छत्तों से कहाँ जा पहुंची वो, बिल्लियों के पास, ओके। व्याकुल बिल्लियां भाग गई सब। व्याकुल बिल्लियां क्या की, भाग गई सब, देख मक्खियां इतनी पास। देखो बच्चों, मधुमक्खियों ने किसकी जान बचाने के लिए भाग गया, भाग गए सब मधुमक्खियां, चूहों की, राइट। क्यों? तो चूहों को कौन खाने वाला था, बिल्लियां, राइट। सभी बिल्लियां मिलकर चूहों को खाने, मतलब चूहे बिल्ली चूहे को खाते हैं, नॉर्मली सबको है, बता ही है, राइट। तो यहाँ इस स्टोरी में, इस पोएम में क्या बताया गया है कि बिल्लियां चूहों को खा रहे हैं, मतलब खाने जा रहे हैं। तो यह मधुमक्खी ने यह बात सुनकर सभी मधुमक्खियों से क्या कहा कि हमें उन्हें जान बचानी चाहिए, ओके। तो सब मधुमक्खियों ने छत्ते से उठकर जाकर मधुमक्खियों के आसपास मंडराए, ओके। तो सभी मधुमक्खियों को देखकर वहाँ बिल्लियाँ क्या कर गए, भाग गई, ओके। देख मधुमक्खियाँ इतनी पास, भाग गई सारी बिल्लियाँ, ओके। तो सभी बिल्लियों ने क्या किया बच्चों, भाग गए, ओके। कहाँ से भाग गए सभी, वहाँ से जो चूहों को खाने के लिए आए थे, वहाँ पर मधुमक्खियों को इतने पास मंडरते हुए देखकर वो डर कर क्या हो गए, भाग गए। तो इससे क्या हो गया है बच्चों, तो चूहों की जान बच गई, राइट। चूहों की जान किसने बचाई, मधुमक्खियों ने बचाई, राइट चिल्ड्रन। तो यही थी हमारी छोटी सी कविता, ओके। यह सिर्फ हमें ये बोल देती है कि एक वचन अनेक वचन इसमें बताया गया है, और यह बतलाया गया है कि मधुमक्खियों ने चूहों की कैसी जान बचाई, ओके बच्चों। तो सबको समझ में आ गया है बच्चों, तो आपको इसे क्या करना है, अच्छी तरह से बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए बच्चों, ओके। तो मैं और एक बार आपको पढ़कर दिखाती हूँ, और सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स को आपको बता देती हूँ। और आपका होमवर्क, आज का होमवर्क है राइट दी सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड फाइव टाइम, ओके, राइट दी फाइव टाइम, राइट दी वर्ड्स फाइव टाइम, ओके। इट्स योर टुडेज होमवर्क, ये आज का आपका होमवर्क है बच्चों,
ओके तो देखिए चूहा चूहे यहाँ मैंने जैसे कि एक वचन अनेक वचन सिंगुलर प्लूरल करके यह जो बॉक्स बना है आप ऐसे ही सेम एज इट इज फाइव टाइम लिखना है. ओके 1 2 3 4 5 ओनली फाइव वर्ड्स आर देयर. ओके तो आपको यह ऊपर एक वचन अनेक वचन डालकर सेंटर में कॉलम लगाकर चूहा चूहे चिड़िया चिड़िया बिल्ली बिल्लियां मधुमक्खी मधुमक्खियां छत्ता छत्ती. ओके तो ऐसे आपको क्या करना है बच्चों फाइव टाइम लिखना है और एक बार मेरे साथ पढ़िए मैं पढ़ती हूँ. चूहा चूहे चिड़िया चिड़िया बिल्ली बिल्लियां मधुमक्खी मधुमक्खियां छत्ता छत्ती. ओके अंडरस्टूड एवरीवन गुड तो आप सबको समझ में आ गया है ना बच्चों गुड. तो ये जो कविता है मैं और एक बार पढ़ती हूँ आप इसे ध्यान से देखिए. तो मैंने आज का होमवर्क तो आपको ऑलरेडी बता दिया है एक बार ये इसे आपको पढ़कर दिखा देती हूँ. ओके चूहा एक कूद कर आया हर चूहे को यह बतलाया यह चिड़िया बोली नादान ये चिड़िया चंचल शैतान. चिड़िया चंचल और शैतान है. बिल्ली ने सुनकर यह बात किया इशारा बिल्लिया आई घात लगाने की चूहों पर. ओके चुपके से तरकीब बताई छत्ते में बैठी मधुमक्खियां तरकीब वाला बताइए तरकीब यानी कि आइडिया. ओके उन्होंने कुछ तो तरकीब ये की किसको बचाने के लिए चूहों को. ओके बोली सुन ले सब मधुमक्खियां हमें बचाना सात चूहों को खा ना पाए यह बिल्लियां इन्हें बिल्लियां छत्ता छोड़कर सब जा पहुंची छत्ते से बिल्लियों के पास. ओके व्याकुल बिल्लियां भाग गई सब देख मक्खियां इतनी पास. ओके अंडरस्टूड गुड तो देखिए बच्चों हमें नेक्स्ट पेज नंबर 21 पर सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स दिए गए हैं. मैं सिर्फ आपको रीड करके दिखाती हूँ आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए. ओके तो सी एक वचन पढ़ती हूँ पहले बाद में अनेक वचन. ओके बच्चों केला केले गेंद गेंदे पुस्तक पुस्तके. ओके बस्ता बस्ते संतरा संतरे लड़का लड़के खिलौना खिलौने गुब्बारा गुब्बारे कुत्ता कुत्ते पत्ता पत्ते पंखा पंखे मुर्गा मुर्गे कपड़ा कपड़े जूता जूते घोड़ा घोड़े. ओके लड़की लड़कियां कुर्सी कुर्सियां घड़ी घड़ियां नदी नदियां घंटी घंटियां चूड़ी चूड़ियां बिंदी बिंदियां खिड़की खिड़कियां बुढ़िया बुढ़िया चूहियां चूहियां चूही या देखो प्रोनाउंसिएशन चूहियां स्वर बढ़ेगा अनेक वचन का. ओके टोपी टोपियां साबी साबियां मोमबत्ती मोमबत्तियां यह ये वह वे. ओके तो बच्चों मैंने इसे आपको पढ़कर बताया है. ओके तो सबको समझ में आ गया है आई होप कि एक वचन अनेक वचन क्या है. ओके तो सबको समझ में आ गया है ना बच्चों गुड
आपको नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो भी पीरियड है हमारा, जो भी जब भी हमारा सेशन आएगा हिंदी का, तब मैं आपको यह शब्दों को लिखकर बोर्ड पर लिखकर बताऊंगी। ओके बच्चों, तो आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड टुडे सेशन। सबको आज का सेशन समझ में आ गया है ऐसा मैं समझती हूँ। आज की कविता सबने अच्छी तरह से समझ ली है। ओके, तो आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड टुडे सेशन। और आपका आज का होमवर्क मैंने पहले ही बताया है कि राइट दी वर्ड्स 5 times सिंगुलर एंड प्लूरल। यह आपको एक चार्ट 5 times लिखना है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? गुड, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग वीडियो चिल्ड्रन। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।